say, first of all, I'd like to thank all of you for being there with me since my childhood till now. और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है. बहुत दिन बाद हिंदी में इंटरव्यू दे रही हूँ, वहाँ पे थ्रू आउट पंजाबी में बोल रही थी. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है. हमारी 13th तक के पंजाब में सारे शोज़ हाउसफुल हैं. सो आई फील ब्लेस्ड, ग्रेटफुल एंड वेरी लकी. कैसा लगता है? कई बार तो सच में ऐसा लगता है कि जितना मैं डिज़र्व करती हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिला है. और बस कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि किस तरह से डिस्क्राइब करें जो फीलिंग एक्चुअली मुझे कल से अंदर आ रही है. फाइनली मेरी डेब्यू फिल्म रिलीज़ हुई है, मैंने कल फिल्म पहली बार थिएटर में देखी, अपने आप को पहली बार थिएटर पर देखा. इतने साल जितनी भी मेहनत की थी वो एक्चुअली इस दिन के लिए की थी कि कब मेरी फिल्म आएगी और कब मैं, यू नो, एज एन एक्ट्रेस, एज द मेन लीड थिएटर में दिखूंगी. वो फाइनली वो दिन कल आ गया. सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी. आई कांट रियली डिस्क्राइब इट. डैडी और अयान आज पहली बार फिल्म देखेंगे. मेरी पूरी फैमिली आई है, मेरे जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं उन सबको मैंने बुलाया है. सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से, बट आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली. आई वॉज नर्वस येस्टरडे, बट आज मैं ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज आज सब मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली देखेंगे ना, तो आज थोड़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है. कुलचे छोले मैंने काफ़ी खाए. सो एक जो चीज़ आपने पंजाबी एक्सपीरियंस जो आपके लिए अलग, एज अनलाइक हिंदी सिनेमा और हिंदी बहुत दैट यू बीन डूइंग, क्या आपको क्या डिफरेंस लगा, कुछ चैलेंजिंग लगा, लैंग्वेज बैरियर रहा, यू नो, कल्चर? जी देखिए, लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज सीखना चैलेंजिंग बिल्कुल था. पंजाबी मुझे आती नहीं थी, मैंने फिल्म के लिए पंजाबी सीखी और बहुत पहले थोड़ी हेजिटेशन भी थी कि किसी नई इंडस्ट्री में आप स्टेप इन कर रहे हैं तो लोगों की एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे. बट फिल्म आने के पहले ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनको मेरी पंजाबी भी बहुत पसंद आई और एक्सेप्टेंस भी मुझे मिल गई वहाँ पर जल्दी, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. हिंदी फिल्म इनको पूछने दो, एक बार पूछो. पहले बताइए आपके पापा क्या रिएक्शन थे? पापा ने बोला था मीटिंग में बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, मेरा बात हुआ था. हाँ, पापा क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश हैं, पापा अभी आ ही रहे होंगे, आप उनसे पूछिएगा. मैंने हमेशा कहा है कि एक्टिंग करना मेरा नहीं बल्कि मेरे डैडी का ड्रीम था, तो मुझसे ज़्यादा उनका सपना पूरा हुआ है कल जब कुलचे छोले रिलीज़ हुई है. सो जितनी मेरी विक्ट्री है उससे कहीं ज़्यादा उनकी विक्ट्री है. और आज जो एक्चुअली हम यहाँ पर मेरी फिल्म स्क्रीनिंग के लिए हैं, इट हैज़ ओनली बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम. सो मेरे कैरेक्टर का नाम हरलीन है और कैरेक्टर कुछ बहुत हटके नहीं है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हर दूसरी घर की लड़की ऐसी होती है. मतलब ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता है. बहुत ही रिलेटेबल, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है. हम हमेशा सबको यही बोलते हैं कि ये एक आम इंसान की फिल्म है, जो भी देखेगा रिलेट करेगा. और आई होप आप लोगों को पसंद आए. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग ने जो इतने साल मेहनत करी है, हम लोग जो 14 साल से काम कर रहे हैं, वो आज अप्पी की डेब्यू मूवी आई है, कल आई है इनफैक्ट, और बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, रिव्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं. एंड मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उनके ऊपर कि इन्होंने माशाल्लाह अपनी एक डेब्यू मूवी कर लिया है ऑलरेडी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर. आपको जब आपने मूवी देखी, आपने अभी तो प्रीमियर, अभी तो आए हैं प्रीमियर के लिए, आज ही देखूंगा. कैसा, क्या एक्सपेक्टेशन है जन्नत से, यू नो, व्हेन इट कम्स फॉर जन्नत एज एन एक्टर? एज एन एक्टर अगर हम देखेंगे तो हम लोग तो माशाल्लाह सालों से काम कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशंस भी उतनी हाई है माशाल्लाह उनसे, कि आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा मूवी में. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को अगर पसंद आ रही है तो किसी रीज़न की वजह से पसंद आ रही है. कुड बी हर एक्टिंग, कुड बी हर लुक, कुड बी हर लैंग्वेज, बिकॉज सी एक लैंग्वेज बैरियर था उनके लिए, एक नई लैंग्वेज पंजाबी में उन्होंने की है मूवी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने बहुत अच्छी पंजाबी बोली है इसलिए लोगों को पसंद आ रही है मूवी, एंड दैट्स इट. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. आपका जन्नत में कभी साथ में देख सकते हो पिक्चर में, कुछ ऐसा कुछ? इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे. मैं भी होप कर रहा हूँ. हम लोग ने पहले भी साथ में काम किया है लेकिन ऐसे किया है कि पहले होती हैं अभी फिर लीप हो जाता है एंड ऑल,
सो ऐसे एक सेम स्क्रीन पे अभी तक के नहीं देखा है आपने, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे।